अच्छा जी, मैंने जब कहा कि एक लेडी जो वोट कास्ट नहीं कर करके उसका वोट डाला हुआ है तो बैलेट वोट डाला जाए। हाँ जी, यहाँ पर जो इनका एक एजेंट था सोहन, 5-6 अज्ञात लोगों ने ग्लास मेरी तरफ फेंकने का प्रयास किया और जब मैंने एसपी साहब को कहा कि कंप्लेंट करो तो यहाँ डीएसपी जो था चंद्रपाल वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व निकला। मैं इलेक्शन कमीशन को डीसी साहब को कंप्लेंट दी है, डीएसपी चंद्रपाल सोहन और अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और बूथ 49 पर रिपोर्ट। तो प्रशासन से वो कर रहे हैं, अभी डीसी साहब ने कहा है शाम को 6 बजे तक रिपोर्ट बना कर देंगे, नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह या उनके साथ अगर इस तरह की फर्जी वोटिंग चल रही है तो साफ है कि ड्रे पड़े हैं और इस तरह के इस्तेमाल इनको करना चाहिए। मैंने जब कहा कि एक लेडी जो वोट कास्ट नहीं कर करके उसका वोट डाला हुआ है तो बैलेट वोट डाला जाए। हाँ जी, यहाँ पर जो इनका एक एजेंट था सोहन, 5-6 अज्ञात लोगों ने ग्लास मेरी तरफ फेंकने का प्रयास किया और जब मैंने एसपी साहब को कहा कि कंप्लेंट करो तो यहाँ डीएसपी जो था चंद्रपाल वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व निकला। मैं इलेक्शन कमीशन को डीसी साहब को कंप्लेंट दी है, डीएसपी चंद्रपाल सोहन और अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और बूथ 49 पर रिपोर्ट। तो प्रशासन से वो कर रहे हैं, अभी डीसी साहब ने कहा है शाम को 6 बजे तक रिपोर्ट बना कर देंगे, नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह या उनके साथ अगर इस तरह की फर्जी वोटिंग चल रही है तो साफ है कि ड्रे पड़े हैं और इस तरह के इस्तेमाल इनको करना। वोट गेट लग रहे हैं हम भाई मयू।